नमस्कार साथियों, मैं कैलाश जाट सूचना सहायक सीएमएचओ ऑफिस राजसमंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको राज हेल्थ पोर्टल के अंतर्गत किस तरह से जब हम आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे कई कर्मचारियों के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से इसमें लॉगिन किया जाए। हमेशा एक एरर शो हो जाती है, इनवैलिड आईडी पासवर्ड। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हमारी जो आईडी है वो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी डाल लेते हैं और पासवर्ड के रूप में हमें लिखना है राज, आर ए जे, इसमें आर कैपिटल रहेगा, आर कैपिटल ए जे एच ई ए एल टी एच, राज हेल्थ $123, ये हमारा पासवर्ड रहेगा। ये पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड है जो हमें सबसे पहले लॉगिन करते समय यूज करना है। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, आर कैपिटल ए जे एच ई ए एल टी एच राज हेल्थ $123। पासवर्ड अपन ने डाल लिया है, अब सिक्योरिटी कोड अपन एंटर कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे अपन ने लॉगिन पर क्लिक किया, एक एरर हमें शो हो रही है, इनवैलिड यूजर आईडी ऑब्लिक पासवर्ड, यानी कि इस पोर्टल पे फिक्स है आपकी एम्प्लॉय आईडी आपकी आईडी है और पासवर्ड राज हेल्थ $123। तो आप ही के ऑफिस में कोई कर्मचारी इसको यूज करता है तो सबसे पहले जब इसको यूज करते हैं तो इसका क्या होता है, पासवर्ड चेंज करना होता है। ऐसी स्थिति में ये एरर शो होती है, तो आप अपने पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं या फिर आप खुद इसको दो तीन बार ट्राई कर रहे हैं तो आपके पासवर्ड लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उन आईडी पासवर्ड को भी आप अनब्लॉक करवा सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह से कोई एरर आती है, आपको लगता है आपके आईडी पासवर्ड मिसमैच हो गए हैं, उसको रीसेट करना है, तो आप अपने डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके डीडीओ पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो पाती है तब जाइए आप मुझे अपने एम्प्लॉय आईडी और एक मैसेज लिख दीजिए, प्लीज अनब्लॉक माई राज हेल्थ आईडी पासवर्ड। ठीक है, मैं कुछ ही समय के अंदर आपके आईडी पासवर्ड को अनब्लॉक करके आपको रीसेट करके वापस भेज दूंगा, तो आपकी आईडी क्या रहेगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी रहेगी और पासवर्ड जो डिफॉल्ट पासवर्ड होगा वही राज हेल्थ में आर कैपिटल $123 रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, यदि आपके आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं, किसी और ने उसको बदल दिए हैं या फिर वो लॉक हो गए हैं, तो आपके सामने ये जो एरर मैसेज शो होता है, इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड ट्राई अगेन, ऐसी स्थिति में आप मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी भेज दीजिए, मैं आपके पासवर्ड को रीसेट करके ओके मैसेज कर दूंगा। कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।